तुम्हारे सपने इतने बड़े होने चाहिए कि आसमान छोटा पड़ जाए। जो पंछी पिंजरे में रहते हैं उसे बाज नहीं कहते। आपने आज तक जितने भी किताबें पढ़ी हैं, ये किताब उन सभी से सबसे ज़्यादा ताकतवर है। इस किताब का हर पन्ना आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाएगा। आप पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहोगे। एक्नॉलेजमेंट, हाँ मैं अपनी ज़िंदगी में सफल हूँ। हाँ मैं एक शानदार ज़िंदगी जी रहा हूँ और ठीक वैसी जी रहा हूँ जैसे मैंने सोची थी। और अगर आप इस किताब को पढ़ रहे हैं तो आप भी अपनी ज़िंदगी में सफलता का स्वाद चखेंगे और ठीक वैसे ही ज़िंदगी जी पाएंगे जैसे आप सोचेंगे। अगर आज मैं सफल हूँ तो इसके पीछे मेरी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो आपको उसका कारण होना चाहिए। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए आपके पास एक मजबूत कारण या यूँ कहें कि क्यों होना चाहिए। अगर उस चीज़ को हासिल करने का क्यों यानी कि कारण आपको पता है तो वो चीज़ हासिल करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो जो भी चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आपको वो क्यों हासिल करना होगा और यही क्यों आपका मोटिवेशन है। और उस चीज़ को हासिल करने के लिए बिना रुके बिना आगे आपकी इंस्पिरेशन है। आप सभी ने सुना ही होगा कि हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। और मैं आपको बता दूं कि मेरी कहानी में एक नहीं दो महिलाओं का हाथ है। एक मेरी मोटिवेशन है और दूसरा इंस्पिरेशन। आज तक मैंने जो कुछ भी हासिल किया वो मैंने अपने ज़िंदगी के प्यार के लिए किया। जिन्होंने मुझे ज़िंदगी जीना सिखाया है वो ही है जो मुझे हमेशा मेरे गोल की तरफ बढ़ाती रहती है और मुझे नामुमकिन काम भी मुमकिन करने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने हमेशा ही मेरे अंदर विश्वास दिखाया। जैसे आप उनको हमेशा ही पता था कि मैं एक दिन कुछ बड़ा कर दिखाऊंगा। मैं जो भी हूँ उन्हीं के वजह से हूँ और मेरी सफलता का सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। मेरी सफलता में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है और वो है मेरा क्यों। जहाँ मेरी लाइफ मेरा मोटिवेशन है वहीं जहाँ मेरी वाइफ मेरा मोटिवेशन है वहीं मेरा इंस्पिरेशन मेरी माँ मेरा इंस्पिरेशन है। मेरी माँ से ज़्यादा डेडिकेटेड और सिंसियरली इंसान आज तक मैंने नहीं देखा। जिन्होंने हमारे ज़िंदगी को बेहद बेहतर बनाने के लिए बहुत ही मेहनत की। वह मेरे उठने से पहले उठ जाती है, मेरे सोने के बाद सोती हैं और मैं निस्संदेह कह सकता हूँ कि वह मुझसे कई ज़्यादा काम करती हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वह हमारे लिए सबसे प्रेरणा रहती है, सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में जो भी किया है या कमाया वो इन्हीं दो महिलाओं की वजह से है और इन दोनों ने ही मेरे ऊपर गर्व है। और अब आपको पता चल गया कि ये दो महिलाएं कौन हैं। तो अगली बार आप जब भी मुझसे मिलेंगे तो आपको मुझसे मेरी ज़िंदगी के सफलता के राज के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टिप, अगर आप अपने मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का पता लगा लिया है बाकी चीज़ें अपने आप ही आ जाएगी। इंट्रोडक्शन, लोगों को समझना
इंटेलिजेंस है और खुद को समझना विजडम है। लोगों को मास्टर करना और स्ट्रेंथ है और खुद को मास्टर कर लेना आपकी असली ताकत है। मैं यहाँ आपके सामने इसलिए हूँ क्योंकि मैं आपके पावर और पर्सनालिटी के बारे में आपको बता पाऊँगा, आपको उनका एहसास दिला पाऊँगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आप क्या है और क्या बन सकते हैं? हो सकता है कि सोचा हो और हो सकता है अभी ना सोचा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बात बिल्कुल सही है। आपके खुद के दो संस्करण यानी कि वर्जन हैं, एक वो जो आप अभी है और दूसरा वो जो आप बनना चाहते हैं या बन सकते हैं, और इन दोनों के बीच एक गैप है। तो अब हम अपने पर्सनालिटी को समझने की बात करते हैं तो हमारा फोकस उस चीज़ पर होता है कि कैसे इस गैप को भरे। मेरी ज़िंदगी में मुझे इस गैप के बारे में बहुत जल्द पता लग गया था और मैंने ठान लिया था कि कैसे भी इसको करके मुझे इसको ख़त्म करना है। जब मैं रियलाइज़ किया तो मैंने एक नया फील्ड को डिस्कवर किया जिसका नाम है पर्सनल मास्टरी। इसको समझने के लिए मैंने पिछले 5 सालों में 14,000 घंटे लगाए हैं और आज मैं आपको बता सकता हूं कि ये फील्ड 8 फंडामेंटल प्रिंसिपल यानी कि मूल सिद्धांतों पर निर्भर करती है। 8 ऐसे प्रिंसिपल है, मैं 8 फैक्टर्स बोलता हूं। असल में आपको लाइफ में जहां जाना है या जहां आप पहुंच सकते हैं ये सिर्फ 8 चीज़ों पर निर्भर करता है। मैं नहीं चाहता कि आप सभी अपने अगले 5 साल इन्हीं चीज़ों को समझने में लगा दें, इसीलिए मैं आपको इनके बारे में सीधे तौर पर बता देता हूं ताकि आप आज से ही उन पर काम करना शुरू कर दें और आप जहां भी पहुंचना चाहते हैं अगले 5 सालों में वहां पहुंच जाओ। और मेरा मोटिव यही है कि आप अपने इस 8 फैक्टर के ऊपर काम कर लिया तो यकीन मानिए कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहिए, फिर वो चाहे प्यार हो या पैसा या रिस्पेक्ट या कुछ भी, आपको जो चीज़ें चाहिए वो मिलेगा। और उन सभी चीज़ों को हासिल करने के लिए आपको इस फैक्टर के ऊपर काम करना है। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, मैं इसके बारे में आगे आने वाले 40 चैप्टर में डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन ध्यान रखिए कि ये किताब सबके लिए नहीं है, ये किताब सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा और बेहतर करना चाहते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं, जो लोग बड़ा नहीं करना चाहते, क्योंकि ये उन्हीं के लिए हैं जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिनके सपने बड़े हैं कि उनके आगे आसमान भी छोटा पड़ जाए। तो मैं कर सकता हूँ रिकमेंड कि जितने भी लोग थे वो सब चले गए हैं और जितने भी लोग बड़ा करने वाले हैं वो सब रुके हुए हैं। चलिए आगे और भी शुरुआत करते हैं। तो इसीलिए शुरुआत कैसे करें, इसके लिए आप आगे आने वाले चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे और ज़रूर पॉइंट्स को नोट्स भी करें जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहें। सबकॉन्शियस माइंड यानी मतलब अवचेतन दिमाग से हैं। क्या आपको पता है कि नॉलेज के 3 लेवल होते हैं? पहला लिसनिंग यानी कि सुनना, दूसरा थिंकिंग यानी कि जो आपने सुना उसके बारे में सोचना, तीसरा जो भी आपने सुना और सोचा उस बातों को अपना लेना,
तो इसके पहले आप शुरुआत करें, मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं वो 99% लोगों की सोच से अलग होगा, क्योंकि मैंने ये उन 1% लोगों से सीखा है जो आज सफलता की ऊंचाइयों पर है। तो मैं इस बुक के ज़रिए आपको वह चीज़ बताऊंगा जो आपको सफलता तक पहुंचाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक समय में या एक बार में आपको एक ही चैप्टर पर फोकस करना है। आप ऐसा ना करें कि सिर्फ पढ़े और दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ जाए, या फिर एक चैप्टर को बीच में छोड़कर ही दूसरा पढ़ना शुरू कर दें। आपको एक एक करके चैप्टर पढ़ने हैं, और जो भी आप पढ़ रहे हों या सीख रहे हों आपको उस पर अमल भी करना है, ना कि चैप्टर को पढ़कर छोड़ देना है। मेरी आपको ये सलाह है कि आप इस किताब को 40 दिन में समाप्त करें, और उसके दो कारण हैं। पहला ये कि आपको इस किताब के हर चैप्टर में कुछ नया सीखने को मिलेगा, और जो भी आप सीखेंगे अगर उसे अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाए गए तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। दूसरा ये कि किसी आदत को अपनाने के लिए आपको 40 दिन लगते ही हैं, मतलब ये कि आप कोई भी काम बिना रुकावट 40 दिन करें तो वह आपकी आदत बन जाती है। और अगर लगातार आप इस किताब के 40 दिन तक पढ़ते रहें, या आप लोग 40 दिन एक एक चैप्टर को सुनते रहें, तो आपके और इसमें से सीखी हुई अपने अंदर उतारते गए। मुझे पता है कि अगले 40 दिन आप एक बेहतर इंसान बनकर उभरेंगे। लेकिन इससे पहले मैं इस किताब की शुरुआत करूं, आपको पहले मेरा आपसे एक सवाल है, और वो ये है कि इस किताब से आपकी क्या उम्मीद है। जो कुछ भी आपको आपके लाइफ में अचीव करना है, वो चाहे फाइनेंशियल हो या प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो या फिर कुछ और, तो आप किताब की शुरुआत करने से पहले वो चीज़ कहीं लिख ले। मेरा यकीन माने कि ये किताब आपको वो सब हासिल करने में मदद करेगी जो कुछ भी आप चाहते हैं। 8X फैक्टर। आने वाले 40 दिन में इस किताब के अंदर 8 फैक्ट्स के ऊपर मास्टरी करने वाले हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि उन फैक्टरों के बारे में। पहला है कंटिन्यूस अपलिफ्टिंग थॉट। जब मैंने पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन मूवी देखी थी, तब मुझे समझ आ गया था कि हमारी ज़िंदगी हमारे विचारों का परिणाम है। जैसा भी हम सोचते हैं हमारी लाइफ वैसे ही होती चली जाते हैं। तो अब मेरा सवाल ये है कि कैसे हम अपने विचारों को कंट्रोल करें, कैसे हमारे दिमाग में ऐसे विचार आए कि हम लगातार सक्सेस की तरफ बढ़ते जाए। इसके लिए मैंने बहुत ही रिसर्च किया, और फिर मुझे इस प्रिंसिपल के बारे में मालूम चला कि जिसे मैं कंटिन्यूस अफ्लिक्टिंग थॉट कट बोलता हूँ। मैं आपको ऐसा माइंडसेट देना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में ऐसे विचार आए जो लगातार आपको कामयाबी की तरफ ले जाए। कामयाब होने के लिए आपके दिमाग में लगातार पॉजिटिव थॉट आने चाहिए। आपके दिमाग में ऐसे थॉट आने चाहिए जो आपको ऊपर लेकर जाए और आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करें। दूसरा है मॉर्निंग रिचुअल्स, 5 मॉर्निंग रिचुअल्स। सुबह का समय पूरे दिन का सबसे अच्छा समय होता है। हम सभी ने यह ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हमारी सुबह की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन अच्छा जाता है। और आप अपनी सुबह का सदुपयोग करें और ऐसे काम करने में लगाएं जो लगभग सभी सफल व्यक्ति करते हैं। तो फिर क्या बात हो, आप भी उन लोगों की कैटेगरी में आ जाएंगे। और जब आप उनकी कैटेगरी में आ जाएंगे तो आप उनकी तरह बन जाएंगे। तो जिन रिचुअल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने वो करना शुरू कर दिया तो इन्हीं 5 चीज़ों से आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं।
इस फैक्टर में मैं आपको बताऊंगा कि सुबह का जो समय 5 से 7 के बीच का समय होता है उसको कैसे इस्तेमाल करें। तीसरा है डेली रूटीन, जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं कि किसी भी सफल व्यक्ति का सफलता का राज अगर आपको जानना है तो आप उसके डेली रूटीन फॉलो करें, क्योंकि जो डेली कर रहा है वही उसकी सफलता का राज है। तो इस फैक्टर में यही सीखेंगे कि आपका डेली रूटीन कैसे बनाएं। डेली रूटीन से यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि आप रोज़ सुबह उठना है या फिर वॉक के लिए जाना है, फिर जॉब पे जाना है और शाम को सो जाना है। डेली रूटीन से मेरा मतलब है रूटीन ऑफ सक्सेस से। तो यहाँ पर हम अपनी हैबिट्स को ठीक करने की बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने अंदर से बुरी आदतों को निकाल कर अच्छी आदतें अपनाते हैं। चौथा है इंसेंस प्रोडक्टिविटी। हम पूरे महीने काम करते हैं और महीने के अंत में हमको लगता है कि हम उतने पैसे नहीं कमाए जितने बनने थे। एक स्टूडेंट के हिसाब से सोचे तो हम पूरे साल पढ़ाई करते हैं और जब हमारे मार्क्स आते हैं तो हम उससे संतुष्ट नहीं होते। एक बिजनेसमैन की तरह सोचे तो जितनी हम सेल्स चाहते थे महीने के अंत तक उतनी नहीं हुई। हम काम तो बहुत करते हैं पर रिजल्ट बहुत कम आते हैं। तो मैं आपको ऐसा फार्मूला बताऊंगा जिससे आप काम कम करके ज़्यादा रिजल्ट ला पाएंगे। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा रिजल्ट पाने के लिए आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है तो आप गलत हैं। अगर आपको नहीं लगता कि कम काम करके ज़्यादा रिजल्ट मिल सकता है तो आप सक्सेसफुल लोगों को देखें। आपको शानदार रिचर्ड ब्रांसन के बारे में सुना होगा, ये 400 से भी ज़्यादा कंपनियां संभालते हैं लेकिन काम आपसे भी और मेरे से भी बहुत कम करते हैं। वो अपना पसंदीदा काम हमसे ज़्यादा करते हैं, वो अपनी फैमिली को भी हमसे ज़्यादा समय देते हैं और उन सब के बाद भी वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। उनकी सक्सेस के कुछ सीक्रेट हैं जो हमें बताते हैं कि हम कम समय में ज़्यादा कैसे अचीव करें, जिसके बारे में हम जानेंगे। पांचवा है लीडरशिप। इस सदी की जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है वो है लीडरशिप स्किल। आज के समय में आप किसी भी चीज़ की बात कर लो, फिर चाहे वो पॉलिटिक्स हो या कॉरपोरेट, हर जगह लीडर चाहिए। जब कोई किसी को अपनी कंपनी में रिक्रूट करते हैं तो देखते हैं कि क्या वो आगे चलकर लोगों को लीड कर पाएगा, क्या इसके अंदर वो क्वालिटी है जिससे ये लोगों को सिखा पाएगा। आने वाले समय में ये बॉस बनेगा या लीडर, क्योंकि हमें वो लोग नहीं चाहिए जो लोगों को सिर्फ इंटरेस्टेड दें, बल्कि ऐसे लोग चाहिए जो दूसरों के लिए मिसाल बने, जो लोगों के साथ लेकर चले और उन्हें ऊंचाइयों छूने में मदद करे। और इस फैक्टर में हम इसी बारे में पढ़ेंगे। 6 है पर्सनालिटी अपग्रेडेंस। यहाँ पर हम पर्सनालिटी अपग्रेडमेंट की बात कर रहे हैं, ना कि डेवलपमेंट की। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम पहली बार किसी से मिलते हैं और मिलते ही हम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके अंदर वो करिश्मा है जो लोगों की तरफ खींच लेता है। और इस फैक्टर में यही सीखेंगे कि हम वैसे कैसे बने। 7वां है वेल्थ क्रिएशन।
एक ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर हर कोई काम करना चाहता है। लोगों की बड़ी जिज्ञासा होती है कि पैसा कैसे बनाएं। सर, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं इंजीनियर कैसे बन सकता हूं, तो आप कहोगे कि आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ठीक वैसे ही आपको अमीर बनना है तो आपको ये फैक्टर वेल्थ क्रिएशन के ऊपर अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। मैं फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर एक रेवलेशन लाना चाहता हूँ। वेल्थ क्रिएशन के ऊपर हम जो भी सीखे उसे अप्लाई भी करें। मैं नहीं चाहता कि इंडिया में लोग वही माइंडसेट रखें जो उनके एजुकेशन सिस्टम में उन्हें दिया है, बल्कि उसी बाहर भी सोचे। इस दुनिया के एजुकेशन सिस्टम में रेवलेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में नहीं सिखाता, ना ही हमें वेल्थ क्रिएशन के बारे में सिखाया जाता है। और यही चीज़ है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। पढ़ाई या यूं कहें कि बेसिक एजुकेशन के बाद इसी की हम सभी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जब भी हम स्कूल या कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करके निकलते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही ख्याल आता है कि पैसे कैसे कमाए जाए। तो वैसे तो आप कमाने के कई सारे तरीके हैं जो हमें हमारी सोसाइटी सिखा देती है, लेकिन ये सोसाइटी अपने तरीके वहाँ से लाई है। सालों साल, यूं या यूं कहे कि सदियों से हमारे यहाँ काम करने की परंपरा है, ना कि काम देने की। लोगों को लगता है कि उनको बस एक अच्छी नौकरी कर लेनी चाहिए, लेकिन यह नहीं सोचते कि क्या करके वो अपना खुद का काम कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। हमको लीडर बनना है, ना कि फॉलोवर बनना सिखाया जाता है। तो ये सोसाइटी ने बनाई है और हम फॉलो कर रहे हैं। हमें इससे बाहर निकालना है और खुद कुछ करके दिखाना है। हमको लीडर बनना है, ना कि फॉलोअर। और अगर मैं और सटीक बोलूँ तो हमको फाइनेंशियल फ्री होना है, क्योंकि जब तक इंसान रोज़ की ज़िंदगी जीने में और नौकरी करके पैसा कमाने में लगा रहेगा, उसकी असल ज़िंदगी का मतलब ही समझ में नहीं आने वाला। इस फैक्टर में हम यही सीखेंगे कि अमीर कैसे बने। 8वां फैक्टर है रिलेशनशिप मास्टरी। अब यहाँ पर हमारा मकसद रिलेशनशिप में मास्टरी का है। इंसान होने के नाते हम हमेशा लोगों के बीच रहते हैं और उनसे इमोशनली जुड़े हुए होते हैं, और अगर कोई हमें कुछ कह देता है तो हम पूरे दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर हमारे रिश्ते किसी व्यक्ति तो विशेष के साथ ख़राब हो जाते हैं, तो एक दिन, एक महीने या एक साल ख़राब हो जाते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते। मैं चाहता हूँ कि आप इस फील्ड में मास्टर हो जाएं। सबसे पहले तो आप इस बात को समझें कि जिस भी इंसान के साथ आप रिलेशन में हैं तो उन्हें कैसा टैक्स करना है। आप जहां भी जाए तो नए दोस्त कैसे बनाएं। लोग आपको पर्सनालिटी से इतने इम्प्रेस हो जाए कि वो खुद आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। आपको चाहें पर्सनल रिलेशन या प्रोफेशनल हो, ये अच्छे होने चाहिए, और इन्हीं के बारे में हम इस फैक्टर में पढ़ेंगे। जैसे ही आप इन सभी फैक्टर को अच्छे से समझ लेंगे तो आप अपने गोल के तरफ आसानी से पहुंच जाएंगे। और आपका गोल है बेस्ट लाइफ, यानी कि अपनी लाइफ को बेस्ट बनाना। तो इस
पूरी किताब में हम यही सीखेंगे और मैं आशा करता हूँ कि पूरी किताब पढ़ने के बाद आप वो बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1, कंटिन्यूस अफ्लिक्टिंग थॉट। अध्याय नंबर 1, सफल मानसिकता को अपनाना। तो इस अध्याय की शुरुआत हम एक्स फैक्टर से करते हैं और वो है कि कट, कंटिन्यूस अफ्लिक्टिंग थॉट, ऐसे थॉट जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं। इस अध्याय का नाम भी मैंने अफ्लिक्टिंग थॉट सक्सेस माइंडसेट रखा है। इसका मतलब है एक सफल मानसिकता जो को अपना ए। आगे हम जो कुछ भी सीखने वाले हैं वो थॉट एक्सपीरियंसड वेस्ट है। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि जो भी मैं कह रहा हूँ वो सही है या जो आप सोच रहे हैं या कह रहे हो वो सही हो। इसका फैसला आपको अपने थॉट में और भी गहराई में जाकर लेना होगा। आपको खुद को इस चीज़ का एहसास करना होगा कि क्या सही है क्या गलत। यहाँ पर वो चीज़ सही है जो आपको आपके मन चाहे रिजल्ट देती है, आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाती है और आपको वो सभी काम करने से रोकती है जो आपको फेलियर यानी कि असफलता की तरफ लेकर जाती है। जब हम सक्सेस माइंड की बात करते हैं तब हमें ये समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे पास हो रहा है वो सब सब्जेक्टिव है, यानी कि किसी भी तरह का कोई रियलिटी नहीं है। हर चीज़ इंटरप्रेजेंट के लिए है। हर किसी के लिए जो वास्तविकता है वो अलग होती है। चीज़ों को देखने का सबका तरीका अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए मैं ग्रीस के एक बीच पर था जहाँ कई सारी महिलाएं बिकनी में थी और मेरा एक दोस्त था जो उन लड़कियों को देखकर बहुत खुश हो रहा था और उससे बात करना चाहता था, जबकि एक दूसरे अंकल तरबूजा खा रहे थे कि इन लड़कियों को शर्म नहीं है क्या जो ऐसे बीच पर खुले घूम रही है। अब आप यहाँ खुद ही देख सकते हैं कि कैसे दो लोगों की सोच और नज़रिया अलग अलग है। ये सब कुछ बिलीफ सिस्टम की वजह से हो रहा है। जो भी आपके थॉट होते हैं या आपके बिलीफ सिस्टम से प्रोग्रेस होकर निकलते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपका सिमुअल है, ये आपके तरफ से रिसीव होता है और जो आपको रिसीव होता है ये आपके बिलीफ सिस्टम से प्रोसेस थॉट में कन्वर्ट होता है। आपका बिलीफ सिस्टम एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम सक्सेस की तरफ मुड़ा हुआ है तो हर चीज़ उसी तरफ जाएगी, आपकी सक्सेस को रोक नहीं सकता, फिर चाहे कितनी भी बैरियर या क्यों ना आ जाए। एक बार बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड प्रोफेसर थे, एक बार उन्होंने अपने स्टूडेंट को कहा कि वो सबको एक वीडियो दिखाएंगे और वो कहते हैं कि उस वीडियो को देखने के बाद हर कोई अपना रिजल्ट दे। वीडियो में सभी स्टूडेंट समुद्र में उठती लहरें उड़ती हुई तेज लहरें देखते हैं, साथ ही घने काले बादल और करकती हुई बिजली। उनको एक पानी का जहाज आता हुआ दिखता है और वो जहाज हवा और पानी के बीच से गुजरता हुआ दिखता है। थोड़े समय बाद वो जहाज डूब जाता है। प्रोफेसर यहाँ पर वीडियो को रोक देता है और अपने स्टूडेंट से पूछता है कि वीडियो में उन्होंने क्या देखा। कुछ स्टूडेंट ने कहा कि तेज हवा की वजह से जहाज डूब गया, वहीं कुछ लोगों ने तेज लहरों
इसका जिम्मेदार ठहराया। प्रोफेसर ने कहा कि हर कोई सही है, जहाज डूबा लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो पानी से भर गया था। इसी तरह आपके आसपास भी ऐसे ही परिस्थितियाँ होंगी, लेकिन आपका जहाज भी वहीं डूबेगा जहाँ इसमें पानी भर जाएगा। आपके जहाज का पानी नेगेटिव थॉट है और ये आपके दिमाग में जगह बनाने लगे तो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। ऐसा कुछ एक बार एक स्कूल जाने वाले लड़के के साथ होता है। वो एक बार अपने स्कूल से घर आ रहे होता है। सभी रास्ते में उसे कुछ लड़के रोकते हैं और उसको खूब पीटते हैं और उससे कहते हैं कि तुम किसी भी काम के नहीं हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है और तुम्हें कोई प्यार भी नहीं करता, तुम एक स्टूडेंट के सबसे बेकार स्टूडेंट हो। जैसे जैसे ये लड़का बड़ा होता है, ये उन सब बातों को सच मानने लगता है। ये सारी बातें उनके दिमाग में घेरे कर जाती है। इस हादसे के पहले वह एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हुआ करता था और पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट में भी अच्छा था, लेकिन जब उसके दिमाग में ये सारी बैठी तो उसका कॉन्फिडेंस नीचे गिर गया और साथ ही उसके स्कोर भी। उसने अपने दोस्तों और बाकी लोगों से भी बात करना बंद कर दिया, क्योंकि उसको लगा कि जो भी उससे बोला गया वो कुछ सच है। अब आप देख सकते हैं कि कैसे एक बिलीव आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि उनकी खुशी कुछ चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन असल में आपकी ये खुशी अंदर से होती है। बाहर की चीज़ें कभी भी आपकी खुशी का कारण नहीं होती। आप किसी भी समय खुश हो सकते हैं। तो आप इस चैप्टर को कट का प्रयोग कर सकते हैं। अपनी उंगलियों की चुटकी बजाइए और बोलिए कट, और बिना बात के ही खुश हो जाइए, क्योंकि खुश होने के लिए आपको किसी भी रीज़न की ज़रूरत नहीं होती। तो अभी अपनी आंखें बंद कीजिए और फील कीजिए और आपने खुश होने के कारण को पता लगाना शुरू कर दिया तो यकीन माने आप अभी भी खुश नहीं हो पाएंगे, कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे। लेकिन हर समय खुश रहना और बिना बात के खुश होना भी एक कला है जो सबको नहीं आता, लेकिन आप कर सकते हैं क्योंकि आप सबसे अलग हैं। भौतिक विवाद चीज़ें आपको सिर्फ अभी अभी ही खुशी रख सकती हैं, ना कि हर समय। जो भी मैं आपको कह रहा हूँ वो आपको आपके बिलीफ सिस्टम में जाकर देखना पड़ेगा, क्या आपको खुश करता है और क्या नहीं। तो आपका बिलीफ सिस्टम क्या है और कहाँ तक पहुँचा है। जब हम छोटे से बच्चे होते हैं तो हमारे अंदर ये बिलीफ सिस्टम नहीं होता। हम सभी गोरे कागज़ की तरह होते हैं। जो सोचने वाली बात यह है कि ये सारी बने कैसे। ये हमारे अंदर हमारे फैमिली से भी, हमारे फ्रेंड सर्कल से और फिर हमारे टीचर से बनता है। और यही तीनों हैं जो हमारे बिलीफ सिस्टम को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। और मुझे भी यही लगता है कि कई सारे लोग बिलीफ सिस्टम में विश्वास रखते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि कई सारे लोग डुअल बिलीफ सिस्टम में विश्वास रखते हैं। वो एक से ज़्यादा
चीज़ों में बिलीव करते हैं। उदाहरण के लिए, मेरी माँ एक बार हमारे पड़ोसी से बात करती थी और वो दूसरे पड़ोसी के बारे में बोल रही थी कि ये उनके कर्मों का फल है जो उसके सामने आ रहा है। कुछ दिन बाद वो पड़ोसी हमारे घर आई और हमें बताने लगे कि उसके बिजनेस में घाटा हो गया और भगवान ने उनके साथ सही नहीं किया। जब वो दूसरों की बुराई कर रही थी तब उनके कारण दिख रहे थे, तब उनके कर्म के कारण दिख रहे थे, और जब उनकी खुद की बारी आए तो वो सारा ब्लेम भगवान जी के ऊपर। यही परिस्थितियाँ डुअल बिलीफ सिस्टम। तो आपके केस में आपको तय करना है कि आपको कौन सी अपनाना है। मेरे हिसाब से ये सब कर्म का फल है और आप बोएंगे, जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। जो कुछ भी आपको मिलता है वो एक प्रोसेस या प्रतिक्रिया के तहत मिलता है। इस दुनिया में कुछ भी अचानक नहीं होता और सब कुछ पहले से ही निर्धारित है। इस पूरे प्रोसेस को प्रोग्रेस ऑफ मैनिफेस्ट की भी कहते हैं। हमारी लाइफ में जो हमें जो भी मिल रहा है वो हमारे कर्मों का फल है जिसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हमें हमारी लाइफ में जो भी मिल रहा है या हम जो भी कर रहे हैं वो सभी हमारे कर्मों का परिणाम है। अब कर्मों से यहाँ मतलब ये है कि जो भी हम कहते हैं या जिस भी चीज़ से भी हम गुज़रते हैं वो सब हमारे कर्मों का परिणाम है, और हमारे कर्म हमारे एक्शन हैं, हमारे एक्शन ही है जो रिज़ल्ट देते हैं। तो अब अगर हमारे एक्शन ही रिज़ल्ट देते हैं तो लोग गलत एक्शन क्यों लेते हैं? जब लोगों को पता होता है कि उनको डायबिटीज़ है तो वो मीठा क्यों खाते हैं? जब लोगों को पता होता है कि सुबह जल्दी उठना उनके हेल्थ के लिए अच्छा है होता है तो फिर लोग क्यों नहीं उठते? ऐसा वो अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से करते हैं। साथ ही हमारे पास हमारे एक्शन के रजिस्ट्रिकेशन भी होते हैं। बिलीफ सिस्टम एक दिन में नहीं बदलता, इसके लिए काफ़ी वक्त लगता है, इसमें समय लगता है। जो आपके बिलीफ सिस्टम को बदलने के लिए हमको हमसे कुछ बड़ा सोचना या करने की ज़रूरत है। जो कुछ भी हमने पहले किया है उसको हमसे बड़ा सोचने और करने की ज़रूरत है। साथ ही हमेशा ऐसी चीज़ों से जुड़ा रहना है जो हमारे बिलीफ सिस्टम को बेहतर होने के लिए बदलते हैं। कई लोगों को लगता है कि अपनी लाइफ में हर चीज़ें डिज़र्व नहीं करते। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि आपके लिए करोड़पति बनना आसान नहीं है तो आप ऐसे लोगों के बारे में जान सकते हैं या पढ़ सकते हैं जिन्होंने खुद के दम पर कुछ किया है। अगर आपने लगातार ऐसा करना शुरू कर दिया तो आप खुद के अंदर बदलाव महसूस करेंगे और आप देखेंगे कि आपका बिलीफ सिस्टम बदल रहा है और आप न कर पाने से कर पाने की तरफ बढ़ रहे हों, और आपका यही बिलीफ सिस्टम आपके सपनों के लिए नए दरवाजे खोल रहा है। मैं आपको समझाता हूँ कि सच्चाई और भरोसे में, यानी कि बिलीफ सिस्टम में एक अंतर होता है। जो सच है वो परमानेंट है और उनको कोई चेंज नहीं कर सकता। जैसे सूरज पूरब दिशा से उगता है तो उगता है, आप इसको नहीं बदल सकते, मैं इसको नहीं बदल सकता, और आप और मैं क्या दुनिया का कोई भी इंसान नहीं बदल सकता। लेकिन जब बात बिलीफ सिस्टम यानी कि भरोसे की आती है तो ये किसी इंसान के ऊपर निर्भर करती है। अगर कोई इंसान
अपने अंदर बिलीफ सिस्टम बनाता है तो कई सारे चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है और वो उसका खुद का होता है। और लोग इसे सही साबित करने के लिए कुछ भी करते हैं। जैसे अगर हम धर्म की बात करें तो उनका सच से ज़्यादा अपने बिलीफ सिस्टम से लेना देना होता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा डिज़र्व नहीं करते। एक बच्चे को अंधेरे में इसलिए नहीं खेलने देते क्योंकि लगता है कि अंधेरे में कहीं उसको चोट ना लग जाए। बच्चों को रोकने के लिए उनके माता पिता उन्हें भूतों की कहानियां सुनाते हैं और उनके लिए यही उनका बिलीफ सिस्टम है। सच और बिलीव यानी कि भरोसे के बीच अंतर है। मैंने ऐसे भी इंटेलिजेंस लोगों को देखा है जिनके पास डाउटफुल बिलीव है, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बिलीव सिस्टम होगा तो आपके साथ हर चीज़ पॉजिटिव होगी। तो ऐसा बिलीव सिस्टम अपनाएं जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे तो जो भी मैं आपको बताता हूँ वो 99% लोग उसमें विश्वास नहीं करते। केवल 1% के पास उनका बिलीफ सिस्टम होता है जो उनके सक्सेसफुल बनाता है। और मैं यही चाहता हूँ कि आप भी 1% लोगों में आए। आपको पता है कि इंडिया में 70% प्रॉपर्टी 1% लोगों के पास है और बची हुई 30% बाकी की 99% लोगों के पास है। मैं चाहता हूं कि आपका माइंडसेट उन 1% लोगों जैसा हो और अपने आप सक्सेसफुल बनाएं, अपने आप को आप सक्सेसफुल बनाएं। इसमें 3 वर्कशीट दिया गया है। पहला वर्कशीट आपको वो पहले 3 बिलीव कौन है से है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। आप इसे लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। दूसरा, आपके हिसाब से सही बिलीव सिस्टम क्या है। यह कि जो भी कुछ हो रहा है वो आपके कर्मों का फल है या फिर उसके लिए ऊपर वाला जिम्मेदार है। मैं ये मानता हूँ कि जो भी होता है वो हमारे खुद के कर्मों का फल होता है, ना कि ऊपर वाला जिम्मेदार होता है। आपका क्या बिलीव सिस्टम है आप देखें, और उसे गलत बिलीव सिस्टम है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। आपका जो 3 बिलीफ सिस्टम कौन से हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, आप उसको लिख सकते हैं, डिटेल में उसको सुन सकते हैं। आप खुद को सुने, खुद के माइंड से सुने और एक नया पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम बनाएं और सफलता की तरफ आगे बढ़ें। तीसरा, एक कैरेक्टर होने से आपका क्या मतलब है। एक कैरेक्टर होने से आपका क्या मतलब है, इस सवाल को आप सोचें, समझें और लिखें।